हेलो बच्चों, वेलकम टू दी पान्नी पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज हम रेडॉक्स रिएक्शन में समझेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, चाहे वो एसिडिक मीडियम में हो या बेसिक मीडियम में हो। तो हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है, MnO2 plus C2O4 2 minus gives out Mn2 plus plus CO2। अच्छा, ये एक एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम। तो सबसे पहला काम हमें करना होगा ऑक्सीडेशन नंबर मार्क करने होंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर मार्क करने होंगे। सेकंड, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना होगा। क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट पे हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर लिया। अब थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि चार्ज तो नहीं है, कोई चार्ज तो नहीं है। चार्ज को अगर जिस जगह चार्ज कम या ज्यादा होगा उसको उस साइड हम H प्लस, अगर जिस साइड कम है चार्ज उस साइड हम H प्लस को जोड़ेंगे, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एच प्लस जोड़ेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन जिस तरफ कम होगा उस साइड हम H2O जोड़ेंगे, वाटर जोड़ेंगे। फिर हम एक लास्ट टाइम चेक कर लेंगे कि सभी के सभी हमारे एटम्स हीट एंड ट्रायल मेथड से एटम्स बैलेंस है कि नहीं है। चलिए आइए इसी इक्वेशन में हम ये चीज आपको करके दिखाते हैं। अब देखते हैं, पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर को मार्क करते हैं। तो MnO2 का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो जिसकी निकालनी है उसको हमने x मान लिया। O2 जनरली एक ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज होता है, तो -2 दो एटम है, दो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब MnO2 पर पूरे कंपाउंड पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो जीरो लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये आ गया x -4 इज इक्वल टू जीरो। और उसके बाद अगर हमने x की वैल्यू देखी है तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो Mn पर कितना चार्ज है, +4 है, ठीक है। इसी तरीके से C2O4 का हम देख लेते हैं, C2O4 का हम देख लेते हैं, C2O4 में कार्बन के दो एटम है तो हमने उसको 2x बना लिया, ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 2 8, तो माइनस का 8, ठीक। एक ऑक्सीजन पे -2, चार एटम है तो 4 2 8 एटम, हाँ सॉरी 8 चार्ज, -8, ठीक है। ओवरऑल C2O4 2 माइनस है, ओवरऑल चार्ज कितना है पूरे कंपाउंड पे, -2 रख लिया हमने। 2x इज इक्वल टू -2, -8 इधर गया तो प्लस में आ जाएगा, +8, ओके। तो 2x इज इक्वल टू +6, मतलब x इज इक्वल टू +3। एक कार्बन पर कितना चार्ज है, +3 का चार्ज है। एक कार्बन पे कितना चार्ज है, +3 का चार्ज है। थोड़ा सा मुझे आप लोग माफ करेंगे कि मुझे ये पेन टैब इतना अच्छे से चलाना आता नहीं है, तो होप सो मैं जल्दी ही सीख लूंगा, तो मैं और अच्छे से लिखूंगा। तो इसके बाद हम देखते हैं Mn2 प्लस पे, तो +2 ही चार्ज है जितना, और CO2 पे +4 का चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन पे तो -2 और दो ऑक्सीजन एटम है तो -4, उसी का उल्टा कर दीजिए, +4, इजी है, ठीक है। अब हमने देखा Mn प्लस का कितना चेंज आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, ठीक है। तो +2 का चेंज आ रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो +2 डिक्रीज हो रहा है भाई, +4 से +2 जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगा, ठीक है। अब देखिए C2O4 में क्या हो रहा है, ठीक है, कार्बन पर +3 से +4 आ रहा है, मतलब +1 का क्या हो रहा है बच्चों, +1 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है भाई। एक कार्बन पे +3 था, अब वो +4 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, एक +1 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हमने मार्क कर लिए, देख लिए, मार्क कर लिए, इंक्रीज डिक्रीज सेकंड स्टेप में इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे, कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना है, कितना डिक्रीज कर रहा है। अब ऑक्सीडेशन नंबर को हमें करना होगा बैलेंस, ठीक है। हम बैलेंस करेंगे, ऊपर +2 का चेंज है, नीचे है +1 का चेंज। अगर हम ऊपर वाले को क्या कर दें, हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों में क्या हो जाएंगे, 2 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ठीक है। चेंज क्या हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा और इसका भी 2 हो जाएगा, तो हमने कर दिया, ठीक है। अब हम नई क्वेश्चन इसी के आगे लिखते हैं,
MnO2, क्योंकि हमने एक से मल्टीप्लाई किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक से मल्टीप्लाई किया है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने लिखा MnO2 प्लस C2O42 माइनस, ठीक है, गिव्स आउट Mn2 प्लस प्लस 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, C2O4 वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर हम 2CO2 लिख लेंगे। इधर इधर ऑलरेडी CO2 मतलब कार्बन के दो एटम्स थे, हमने CO2 के साइड दो एटम्स बैलेंस कर ली, क्योंकि हमें पहले ऑक्सीजन को नहीं देखना है, हमें बाकी एटम्स को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ देने हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर इतना कर लिया, ठीक। अब हम देखेंगे चार्ज, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया, उसको चेंज को बैलेंस कर लिया, अब हम देखेंगे चार्ज। तो चार्ज इस साइड चार्ज है -2 और इस साइड चार्ज है +2, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर ओवरऑल पे -2 है। तो आप देखिए किस साइड चार्ज ज्यादा है, किस साइड चार्ज, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, किस साइड चार्ज ज्यादा है, ऑब्वियसली इस साइड ज्यादा है, ठीक है, Mn2+ साइड ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, -2 को +2 बनाना है। तो अगर हम -2 में +4 ऐड कर दें, सिंपल मैथ्स है, -2 में अगर हम -2 में +4 ऐड करते हैं तो +2 में बदल जाएगा, और +4 हमें कहाँ से मिलेगा, 4OH से प्लस चार्ज हमें मिलेगा, तो सॉरी 4H+ से, OH नहीं, H+ से हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा 4H+ से, ठीक है। तो हमें H+ में क्या कर देना है, 4 जोड़ देना है, मतलब 4H+ इस साइड जोड़ देने हैं, 4H+ इस साइड जोड़ देने हैं। तो चलिए हम जोड़ के दिखाते हैं आपको, MnO2 प्लस C2O42 माइनस गिव्स आउट Mn2 प्लस प्लस 2CO2 2CO2। एक सेकेंड, प्लस 4H+, ठीक है, हमने H+ भी बैलेंस कर लिए, अभी जोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे, किस साइड ऑक्सीजन ज्यादा है। चलिए इस साइड कितने, यहाँ कितने, 2, और यहाँ कितने, 4, मतलब टोटल कितने हो गए, 6, ठीक है, 6 ऑक्सीजन इस तरफ है, इस तरफ कितने हैं, 4 ऑक्सीजन। तो किस साइड कम है, इस साइड कम है, इस साइड कम है ऑक्सीजन, तो हमें जिस साइड कम है उसी तरफ वाटर जोड़ना है। चलिए वाटर जोड़ देते हैं इस साइड, H2O, लेकिन कितने ऑक्सीजन कम है, इधर 6 है, इधर 4 है, 2 ऑक्सीजन कम है, तो अगर हम 2 यहां पर लिख देते हैं तो 4 2 4 2 6 हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। अच्छा, अब हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, 4H+, यहाँ भी 2H2 है, मतलब 4 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, Mn एटम भी बैलेंस, कार्बन भी बैलेंस, पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। Fe2+ Cr2O7 2- गिव्स आउट Cr3+ प्लस Fe3+। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमें चार्ज देखना है या ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, तो इसमें तो +2 ही है, ठीक है, और Cr2O7 में देख लेते, निकाल लेते, क्रोमियम के दो एटम, तो 2x+, ऑक्सीजन कितना है, 7 है, और ओवरऑल चार्ज कितना है, -2 है, ठीक है। तो 2x प्लस -14 इज इक्वल टू -2, इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, तो x 2x इज इक्वल टू प्लस 12, तो x इज इक्वल टू प्लस 6। एक क्रोमियम पर कितना चार्ज आया हमारा, प्लस 6, या कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया, प्लस 6, ठीक है बच्चों, तो प्लस 6 आ गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखिए +6 आ गया, अब चेंज देखते हैं, सेकेंड स्टेप में हमें क्या देखना है, चेंज देखना है। तो Fe से हमारा Fe3+ जा रहा है, Fe3+ जा रहा है, तो कितना चेंज आ रहा है, +1 का, वो भी इंक्रीज में, भाई 2 से 3 जा रहा है तो इंक्रीज में जा रहा है, वो भी प्लस में, ठीक है। Cr में Cr3+, ठीक है, एक क्रोमियम पहले 6 पर था, +6 में स्टेट में था, फिर अब +3 में हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है +3 इसने क्या लिया,
लूज किया है, ठीक है। तो प्लस थ्री क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिए। यहाँ पर देखिए आप प्लस थ्री ही है, यहाँ पर भी प्लस थ्री ही है, आयरन में भी प्लस थ्री है। तो हमने सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिए। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, चेंज जो आ रहा है उसको मार्क कर लिया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो चेंज है उसको बैलेंस करेंगे, चेंज है जो उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से और इसको 1 से, हो सकता है, लेकिन क्रोमियम फिर बैलेंस नहीं होगा। क्रोमियम के यहाँ पर दो एटम है, ठीक है। तो क्रोमियम के दो एटम है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर क्रोमियम पे 2 आ जाएगा, यहाँ इसके एटम यहाँ पर 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो क्रोमियम के एटम भी बैलेंस हो जाएंगे, हमें बैलेंस भी करना है। चेंज को जो बैलेंस कर रहे हैं वो एटम्स के थ्रू बैलेंस करना है, ठीक है। और आयरन अब प्लस 3 इंटू 2 हो गया 6, ठीक है। तो आयरन में कितना कितना बैलेंस करना पड़ेगा, 6। तो मतलब यहाँ पर भी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आ रहा है, यहाँ पर भी। तो ये नई इक्वेशन बनेगी, तो ये हो जाएगी। सिक्स से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 6 gives out 2 Cr3+ + 6 Fe3+। तो देखिए क्रोमियम के भी एटम बैलेंस हो गए, आयरन के भी एटम बैलेंस हो गए। हमें ऐसा नंबर देखना है जिससे क्या है कि सारे के सारे एटम्स भी बैलेंस हो जाए, चेंज भी उसका जो है वो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी बैलेंस रहे, ठीक है। तो चेंज भी ओवरऑल दोनों का बैलेंस है और एटम्स भी बैलेंस हो गए, ठीक है। आप देखिए ऑक्सीजन इस तरफ कितना है, 7, इस तरफ है नहीं। तो जिस तरफ ऑक्सीजन नहीं है उस तरफ, सॉरी सॉरी, ऑक्सीजन देखेंगे, हाइड्रोजन पहले लगाते हैं, पहले चार्ज देखते हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी, अच्छा ये भी एसिडिक मीडियम में है, सॉरी मैंने लिखना भूल गया, एसिडिक मीडियम में है, ठीक है। तो एसिडिक में है, तो एसिडिक में हमेशा क्या लगता है, H+, क्या लगता है बच्चों, H+ लगता है, ठीक है। तो हम देखते हैं चार्ज देखते हैं, यहाँ पर 6 आयरन एटम है और हर आयरन एटम पे +2 है, तो कितना हो गया, +12 हो गया। यहाँ पर कितना है ओवरऑल, एक एक ही है एटम है, मतलब एक ही कंपाउंड है, Cr2O7 2-, तो ओवरऑल -2 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, क्रोमियम पर +3 है और दो एटम है तो +6, और यहाँ पर कितना है, 6 3 18 +18, तो 18 6 प्लस का 24, इस तरफ +24 है, इस तरफ टोटल कितना है, +10। तो 10 से हमें 24 जाना है, ठीक है। जिस तरफ चार्ज ज्यादा है उसके अपोजिट हमें हाइड्रोजन लगाने, जिस तरफ चार्ज कम है उस तरफ हाइड्रोजन लगाने। तो अगर हमें 24 जाना है 10 से, तो हमें कितने एच प्लस चाहिए, कितने पॉजिटिव चार्ज चाहिए, 14 पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो 14 मतलब यहां पर हम लगाएंगे 14 H+, ठीक है, 14 H+ लगाएंगे। अब 14 H+ लगाने के बाद देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, 6 Fe2+ + Cr2O7 2-+14 H+ gives out 2 Cr3+ + 6 Fe3+, ठीक है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन यहाँ बन गई, अब हमारे एच प्लस लग चुके हैं, अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन देखेंगे उसी के साथ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन हमें पता है इस साइड कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। तो अगर हम इधर 7H2O लगा दें तो ऑक्सीजन इधर भी 7 हो जाएंगे, इस साइड भी, ठीक है, इस साइड भी 7 हो जाएंगे, सही है। और हाइड्रोजन कितने हो गए, 7 2 जा 14, तो 14 हाइड्रोजन इस तरफ भी, 14 हाइड्रोजन इस तरफ भी, 7 ऑक्सीजन इस तरफ भी, 7 ऑक्सीजन इस तरफ भी, 2 क्रोमियम इस तरफ भी, 2 क्रोमियम इस तरफ भी, 6 Fe इस तरफ भी, 6 Fe इस तरफ भी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी बैलेंस, ठीक। इसी तरीके से एक हम बेसिक मीडियम में भी देख लेते हैं, अच्छा ये मैंने लिख रखा है बेसिक, अच्छा बेसिक मीडियम में क्या ऐड होगा, OH- ऐड होगा, ठीक है। किस तरफ ऐड होगा, किस तरफ होगा, जिस तरफ निगेटिव चार्ज लेस होगा, जिस तरफ निगेटिव चार्ज कम होगा उस तरफ यूज करेंगे, ताकि हम उसका चार्ज ज्यादा कर सके, ठीक है। अगर इस तरीके की क्वेश्चन आती है तो कुछ इक्वेशन डायरेक्टली भी बैलेंस हो जाती है, वो भी कराएंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए अब हमने पहले क्या करना है,
मार्क करना है कि कितना कितना सबके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इस पर प्लस से बने कैसे आया, ऑक्सीजन के चार है, चार दुनी आठ, और ओवरऑल चार्ज -1 है, तो आठ में से 11 7, प्लस 7 आएगा। ठीक है, करके दिखा देता हूँ मैं। एक्स प्लस -2 × 4 एटम है, पूरे कंपाउंड पे चार्ज -2, एक्स -4 × 8 −2, उधर गया तो -8 में +8 हो जाएगा। ठीक है, +8 में -2 गया, +6 प्लस, सॉरी -2 नहीं है, -1 है, सॉरी सॉरी सॉरी, -1 है, तो +7। ठीक है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का क्या आ गया, +7 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर I का कितना है, -1 है, जितना माइनस चार्ज है एक ही एलिमेंट, ठीक है, एक ही एटम पे, तो उतना ही है। ठीक है, MnO2, ऑक्सीजन 2 × 4 उधर गया, तो प्लस का 4 था, ये प्लस का 4 हो गया। यहाँ पर अगर कोई भी नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट है कंपा एलिमेंट, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो अब देखिए Mn से Mn4+ में जा रहा है, Mn से Mn+7 से +4 में जा रहा है, तो कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है इसमें, +3 का चेंज आ रहा है। ठीक है, +3 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, +3 डिक्रीज हो रहा है। अब आई माइनस में देखते हैं, -1 से 0 की तरफ जा रहा है, देखिए नंबर लाइन में -1 0 1 2, तो -1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, नंबर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, -1 छोटा होता है, ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 से इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है इंक्रीज बेटा, 1 से हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर 6 आ जाएगा, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 1 से करूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर इस तरफ 3 लाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, होल नंबर में रखता हूँ प्रॉपर, मतलब इवन नंबर में ही रखने की कोशिश करूंगा, इवन नंबर में ही बैलेंस करना है, ताकि जो है इजी रहे, कुछ कुछ बन जाते हैं। देखिए Mn O4 -+, हमने कितना किया, 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि बैलेंस रहे, और इसको हमने किससे किया, 6 से, तो 6i-। ठीक है, फिर Mn2, 2 Mn O2+, यहाँ पर 6 एटम कैसे आएंगे, 6i एटम्स कैसे आएंगे, आयोडीन के 6 एटम कैसे आएंगे, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 × 6। तो अब देखिए, आयोडीन बैलेंस है, मैंगनीज बैलेंस है। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, चार्ज देखना है। ठीक है, चार्ज देखना है, अब O-, तो यहाँ पर कितना -2 है, ठीक है, यहाँ पर कितना है -2, और ये कितना है -6 है, आई पर 1 माइनस है, तो 6 टोटल आई एटम्स है, तो -6, तो मतलब कहने का है इस साइड कितना हो गया, -8, यहाँ देखेंगे तो 0 है, यहाँ देखेंगे 0 है, अब इसको निगेटिव की तरफ लेके जाना है। ठीक है, इसके बराबर रहना है, वो बेसिक मीडियम में हमें निगेटिव चार्ज की तरफ इंक्रीज करना होगा। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में पॉजिटिव चार्ज की तरफ, अगर चार्ज है तो। ठीक है, तो अगर हम इसमें 8OH- ऐड कर देंगे, तो ये इस तरफ भी -8 चार्ज है, इस तरफ भी -8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं, चलिए करते हैं, 2 Mn O4- + 6i- गिव्स आउट 2 Mn O2+ 3i2+ 8OH-, चार्ज बैलेंस हो गया। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, ऐड करना है ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर ऐड करेंगे, किस तरफ ऐड करेंगे, जिस तरफ ऑक्सीजन एटम कम होंगे, इधर देखिए 4 × 8 है, इधर 8 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, इधर कितने हैं, 4 × 8 और सॉरी 2 × 4 है इस तरफ, और इस तरफ 8 है, मतलब टोटल 12 है, 12 ऑक्सीजन के एटम इस साइड है, और 8 है इस तरफ, कितने कम है, 4,
तो अगर हम यहाँ पर 4H2O ऐड कर देते हैं तो 4 ऑक्सीजन एटम इधर हो जाएंगे, तो 4 और 8 12 हो जाएगा। इस साइड 12 हो गए, इस साइड भी 12 है। और हाइड्रोजन देखिए, 4 2 8 इस साइड भी है और 8 हाइड्रोजन इस साइड भी है, तो ये भी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। तो चलिए बैलेंस इक्वेशन भी लिख लेते हैं। 2 MnO4 - + 6I - -+4H2O गिव्स आउट 2 MnO2 + 3I2 + 8OH-। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई। आई थिंक ये एनसीईआरटी का सवाल है, चेक करिएगा। थैंक यू बहुत बहुत आपको देखने के लिए, हमारा चैनल वॉच करने के लिए। थैंक यू।